भोपाल में सोमवार को पूर्व विधायक मंडल द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। पूर्व विधायक मंडल के इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का शॉल श्रीफल के साथ सम्मान कर उनका अभिवादन किया। जहां नेता हो वहां सियासत ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनजाति गौरव दिवस के मौके पर राजधानी में होने जा रहे कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि यह इवेंट प्रशासनिक शो है। कमलनाथ ने कहा कि आदिवासियों के नाम पर भाजपा अपनी पब्लिसिटी कर रही है। आदिवासी वर्ग साधारण वर्ग है, इनके नाम पर बीजेपी इवेंट शो कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि मोदी जी सब जगह इवेंट शो करते हैं, वह केदारनाथ गए, वह उनका इवेंट मैनेजमेंट था। आज के आदिवासी बहुत समझदार हैं, वह समझते हैं कि बीजेपी क्या कलाकारी की राजनीति कर रही है। ये जनजाति, ये तो इवेंट मैनेजमेंट का शो है, प्रशासनिक शो है, आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों की पब्लिसिटी करनी और साधारण लोग लाने। तो ये तो मोदी जी ने तो सब जगह इवेंट मैनेजमेंट होता है, केदारनाथ गए इवेंट मैनेजमेंट था, तो इसमें क्या रखा है? सर, आदिवासियों का वोट बैंक छिटक चुका है बीजेपी से, इसलिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तकरीबन 2.5 लाख आदिवासी आज के आदिवासी बहुत समझदार है, बहुत ज्ञान है उन्हें और वो समझते हैं क्या कलाकारी है और क्या हकीकत है। इस सम्मेलन में कई बड़े नेता और पूर्व विधायक शामिल हुए। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।